Cigarette smoking is injurious to health. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्यूरी मिस्टर आकाश राणा के खिलाफ लगे सभी आरोपों को सही ठहराती है। मैं कोर्ट में सिर्फ अपनी सफाई रखना चाहता हूँ। उनकी ब्रिटिश नागरिक मिस निकिता मल्होत्रा से हिंदू मैरिज लॉ के तहत हुई शादी को इंग्लैंड का कानून इलीगल करार देता है। हमारी शादी इलीगल नहीं है। मिस्टर आकाश राणा के तमाम एसेट्स और बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन मेरा वीसा वैलिड है और मेरी शादी ब्रिटिश सिटीजन से हुई है। ये ज्यूरी यूके बॉर्डर एजेंसी की पूरी जांच और दलील सुनने के बाद मिस्टर आकाश राणा को फौरन इंडिया डिपोर्ट करने का फैसला सुनाती है। हम क्रिमिनल नहीं हैं। और हमेशा के लिए उनके यूके वापस आने पर रोक लगाती है। वी आर नॉट क्रिमिनल। मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए।
ढूंढ रहा हूं सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द खबर मिलेगी। टैक्सी ये कैसा गैराज है? चोरी की गाड़ियों का गैराज सर, यहाँ रिपेयर नहीं डिसअपीयर होने आती है। लंदन के पोस्ट लोकैलिटी से गाड़ी चुराना, पार्ट्स निकाल के ग्रे मार्केट में बेचना, ये सब 2 घंटे में। ओए जोजो आदिल, वेट करो एक मिनट। ये कौन है? ये मेरे साथ है, हमारा माल आ गया। पहले पैसे दिखाओ। पहले माल, पहले पैसे दिखाओ। पहले माल दिखाओ। पहले पैसे, पहले माल दिखाओ। ये जानते हो कितना बारूद है मेरे भाई? इसे आग लग गई तो लंदन राख हो जाएगा। तो क्या सोचा है? जल्द जान जाओगे। पुलिस भागो, ये भी पुलिस वाला है? ये पुलिस वाला नहीं है। रात में हो, ला 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 ला, रात
We're closed. Steve, they're with me. तक जो कुछ भी किया आपने हमारे लिए किया, अब हमारी बारी है। आजकल इज्जत मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। उम्मीद है कि कल तक हम हमारे हिस्से की इज्जत छीन चुके होंगे। Statesman and film star. He is compassionate, enthusiastic, humorous, and has a strong sense of public duty. That, my friends, is Arjun Khanna. Arjun, I personally feel that you've decided to retire too early. It is truly a loss for us, Arjun. You'll be sorely missed by us and our community. To Arjun Khanna, policeman extraordinaire. To Arjun. Thank you. Thank you, Billy. Thank you so much for saying such wonderful things about me. Now, can I have a copy of that speech for my in-laws? अपनी जिंदगी में मुझे एहसास हुआ ऐसी तीन चीजें हैं जो आप कभी मत करें। फर्स्ट, उस लड़की को किस ना करें जो आपसे दूर झुकी। सेकंड, उस झाड़ पे मत चले जो आपकी ओर झुका हो। एंड थर्ड, कभी भी आप जैसे खूबसूरत लोगों को उनके ड्रिंक्स और डिनर से दूर ना रखें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, Please join me in my memories. Let's party. पैक कर दी? हाँ। सारे? हाँ हाँ। खाना पैक कर दिया? हाँ डैडी। खा लेना। मम्मी को फोन किया? हाँ। कितने बजे पिकअप करना है? कर लिया। टिकट कहाँ है? डैडी डोंट वरी, आई एम अ बिग गर्ल नाउ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वाओ, सेलफोन नया वाला। थैंक यू डैडी। चार्जर? थैंक यू। और मैंने सब कॉन्टैक्ट्स भर के रखे जस्ट इन केस। ओके, बाय डैडी। लव यू। लव यू टू। बाय। रन रन रन। Tell Suzanne to mail the final presentations through. You're a funny one. Come on. Good.
Good morning, ladies and gentlemen. This is your co-driver, Sean Sadler, welcoming you to the 112 Virgin train service from London Euston to Glasgow Central. You. On our journey today, we will be calling at Warrington, Wigan, Preston, Lancaster, and Waterloo. Is there you don't see? Good morning, sir. Morning. Morning. Good morning. Morning. Morning, Lionel. Ah, the voice tells me that mere ghar jaane ka waqt ho gaya hai. Good problem? I had a problem on the train jo Southampton Coventry line par band pad gayi and I had to divert the passengers by Northampton. Good morning, Railway Control Security. Can I help you, please? Okay, just a moment. Hello, this is the Railway Security Chief speaking. Hello? There's a bomb on London, Glasgow 112. If the speed drops below 60, the bomb explodes. Do not stop the train. Do not stop the train. Excuse me, sir. Yeah? आपको अंदर अर्जेंट बुलाया है. Hi guys. Good morning, Sanjay. Hey, Radhika. जुकाम कैसा है? बिल्कुल ठीक सर. I'm situated. Morning, General. क्या हुआ? एक बॉम्ब थ्रेट है. ट्रेन या स्टेशन? लंदन ग्लासगो ट्रेन 112. Do you say the London Glasgow Express? Radhika. 112 पे बॉम्ब थ्रेट है. 60 से स्पीड कम हुई तो बॉम्ब फट सकता है. शायद कोई मजाक कर रहा हो बट आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस. लोग सब ध्यान से सुनो. गाइस गाइस कम ऑन लिसन अप. एक बॉम्ब थ्रेट है लंदन ग्लासगो एक्सप्रेस नंबर 112 पे. अब से हर काम बड़े ध्यान से करना पड़ेगा. राधिका 112 का ट्रैक क्लियर रखना. जॉन ट्रेन ड्राइवर को फोन लगाओ. सर यू नीड इनसाइड अर्जेंटली. आई टोल्ड यू देयर इज अ बॉम्ब ऑन लंदन ग्लासगो. इफ यू थिंक इट्स अ हॉक्स तेरी मां का. हेलो हेलो जरा रिमाइंड करो जल्दी. स्टॉप प्ले. इफ यू थिंक इट्स अ हॉक्स तेरी मां का. हेलो ही इज ऑनलाइन. कौन हो तुम? मैंने अभी अभी तुम्हें गाली बकते हुए सुना है. कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम कौन हो? मेरा नाम है संजय रैना, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर. मेरा नाम 500 पैसेंजर्स की जान नहीं बचा सकता लेकिन आई थिंक तुम बचा सकते हो. ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक है तो मैंने ऐसा ही एक बॉम्ब लंदन मैनचेस्टर गुड्स ट्रेन 509 में रखा है जो इस वक्त 15 माइल पर आर पर चल रही है. थोड़ी देर में ट्रेन चढ़ाई चढ़ने वाली है. चढ़ते हुए उसकी स्पीड 5 माइल पर आर कम हो जाएगी और बॉम्ब फट जाएगा. अगर तुम ड्राइवर्स की जान बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि वो बॉम्ब फटने से पहले कूद जाएं. Hello? A bomb? Come on, jump! Sir, he wasn't lying. Good train just blew up. Us train par waqai hi bomb tha. Aur drivers ka kya hua? Sir, bomb phatne se pehle wo log kood gaye, but they were minor injuries. Train ki exact position aur speed ko pata karo. Fast. John. Yeah. मुझे सामने की तरफ से आने वाली हर एक ट्रेन की पोजीशन चाहिए. जी सर. अभी सर नॉर्थ लाइन पर अभी अभी चेल्सी क्रॉस किया है एंड द स्पीड इज 110 माइल्स पर आवर. गुड. ड्राइवर को कहो कि यही स्पीड बनाए रखे और जब तक मैं ना कहूँ किसी भी हालत में रफ्तार कम ना करे. जॉन सारे स्टेशन को खबर कर दो कि आज 112 कोई भी स्टेशन में नहीं रुकेगी. ओके सर. राधिका हर लाइन हर क्रॉसिंग हर सिग्नल को चेक करो. ट्रैफिक को भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए. राइट सर. हेलो दिस इज ट्रेन ड्राइवर रिचर्ड. सर ट्रेन ड्राइवर लाइन पर है. रिचर्ड रिचर्ड सर हमें अभी भी खबर मिली कि तुम्हारे ट्रेन पर एक बॉम्ब है. हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है पर हम चांस नहीं ले सकते. रिचर्ड रिचर्ड अपने आप को संभालो और मेरी बात ध्यान से सुनो. तुम्हारी ट्रेन की स्पीड क्या है? 110 माइल्स पर आवर सर. हम 20 मिनट में अपने नेक्स्ट स्टेशन पहुंच जाएंगे. वहां हम रोक कर डू द चेक्स दे. नो 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 रिचर्ड तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते. इफ यू रिड्यूस योर स्पीड टू लेस देन 60 माइल्स पर आवर द बॉम्ब विल गो ऑफ. यू हियर मी?
राधिका स्पीड पे ग्लासगो पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर लगभग 10 घंटे। ओके रिचर्ड, नाउ कॉन्सेंट्रेट। तुम अभी ट्रेन की स्पीड 70 miles per hour रखोगे तो ग्लासगो तक तुम्हें कम से कम 12 घंटे मिलेंगे। विश यू बेस्ट लक। संजय, दिस इज संजय रायना, आवर हेड ट्रैफिक कंट्रोलर। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एलन फिशर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। फिर से बॉम्बर ने फोन किया? नहीं, अभी तक नहीं। वेल, वो जरूर करेगा, इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। वेयर इज द कंट्रोल रूम? इस तरफ सर। Sir, excuse me, sir. Can I have a quiet word? Sir, we have an emergency situation and this is a order from HQ. हम ऐसे करेंगे, जब हम जाएंगे तो ढेर सारे शॉपिंग करेंगे। आप दोनों को इंडिया अकेले जाना पड़ेगा। क्यों, सब ठीक तो है? एक इमरजेंसी है, डिपार्टमेंट ने मुझे अर्जेंट काम के लिए वापस बुलाया। I'm sorry, Alka. लगता है मुझे नौकरी एक दिन और करनी पड़ेगी। मामा was right. अब कभी रिटायर नहीं हो सकते। Why aren't we stopping? Aren't we supposed to be stopping here? How can this be? My ticket is valid to this station. Oh, this is ridiculous. Where's the train manager? Excuse me. Could you tell us what's going on? Yeah, why didn't we stop? Please, be calm. घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ गाड़ी क्यों नहीं रुकी? How can you tell me not to worry? Sir, no, shut up. और हमें बताओ क्या हो रहा है? Calm down. Excuse me. Why didn't you tell us why did it stop? This is Chief Inspector Shivan Menon, Narcotics Branch. Please open the door. Is there any problem? Yes, sir. The Metropolitan Police have confirmed a bomb blast that occurred this morning on a northern railway. Manchester ja rahi goods train aaj subah York ke kareeb explode hui. Main is waqt Euston station ke platform 10 par khada. Similar bomb has been placed on the London Glasgow train 112 that left this morning. Police suspect kar rahi hai ki bomb yahin par rakha gaya hai. Sir, there was a blast on 509 Goodstream this morning. Sir, the public deserve answers. No comments. आगे के साइड ट्रैक्स क्लियर है? सर, अगले 3 stations तक क्लियर है, लेकिन इन डाइवर्जन्स की वजह से काफी सारी ट्रेन्स डिले हो रही हैं। इससे बड़ा इश्यू और कोई नहीं हो सकता। I don't care. You have to cancel every single train in the whole of England. Yeah. If you do what I say, just do what I say. Arjun Khanna, काउंटर टेररिज्म कमांड। संजय रैना, रेलवे कंट्रोल चीफ। सुना तुम्हारी बॉम्बर से बात हुई? जी। यू हैंडल द सिचुएशन वेल मिस्टर रैना। तुम्हारे बात करने के बावजूद उसने ट्रेन नहीं उड़ाई। तुमने पुलिस का काम अच्छे से निभाया। एक्सक्यूज मी मिस्टर रैना, ट्रेन को ग्लासगो पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? करीब 10.5 घंटे। यस मैडम। ये है वो ट्रेन जो साउथ ईस्ट लैंड की तरफ गई थी। कौन हो सकता है आदमी? टेररिस्ट तो हो नहीं सकते। अगर होता तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए फोन नहीं करता। आज का होने के बाद जिम्मेवारी लेने के लिए फोन। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो वो चाहता क्या है? ट्रैक 28। तुम्हारी बॉम्बर से बात हुई मिस्टर रैना, डिटेल्स देना तुम्हारा काम है। वो हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी? उन्होंने शायद हिंदुस्तानी। व्हाई डू थिंक सो? क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहा था, उर्दू में नहीं। किस एक्सेंट में बात कर रहा था? गुजराती, बंगाली, पंजाबी? देखिए सर, वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम हियर। हमारी ट्रैक पर सामने की डायरेक्शन से ट्रेन 308 आ रही है। हमने बाकी सारी ट्रेन तो डाइवर्ट कर दी थी, बस ये एक ट्रेन रह गई। 308 और हमारे बीच कितनी दूरी है? 10 मिनट। चेंज द ट्रैक। वी कांट डू दैट सर। क्यों? क्योंकि उस एरिया में दो ही ट्रैक है और दूसरे ट्रैक पे ऑलरेडी एक गुड्स ट्रेन बंद पड़ी है। स्टेशन से पहले कोई एक्सचेंज लाइन होनी चाहिए। कैन गेट मी द एरिया फॉर द लार्ज मॉनिटर। ओके, ये हमारी ट्रेन है और उसी ट्रैक पे 308 हमारी तरफ आ रही है और ये ट्रैक पे सिर्फ एक एक्सचेंज लाइन है। सर, ये लाइन मेंटेनेंस लाइन है,
इस लाइन पर आप 50 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर ट्रैक चेंज नहीं कर सकते, ट्रेन पलट जाएगी। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन रेलवे हमेशा सेफ्टी के लिए 15 या 20 माइल कम करके ही बताती है। हमें ये टर्न 60 से ज्यादा स्पीड पे लेना ही पड़ेगा। वी हैव टू टेक दैट चांस। व्हाट सर? वी हैव टू टेक दैट चांस राधिका। हमारी ट्रेन को एक्सचेंज पॉइंट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सर 3 मिनट। और 3:08 को? 5 मिनट। अगर दोनों ट्रेन को सेफली क्रॉस करना है तो दोनों को अपने अपने एक्सचेंज पॉइंट पर सेम वक्त पे पहुंचना चाहिए। राधिका 308 के ड्राइवर को कहो कि 97 माइल्स पर आवर पे हमारी तरफ आते रहे। डू इट राधिका। रिचर्ड मुझे ध्यान से सुनो, तुम्हारे ट्रैक पर एक ट्रेन सामने से आ रही है, तुम्हें अपनी स्पीड घटाकर करनी है 65 माइल्स पर आवर। डू इट नाउ रिचर्ड। लेकिन 65 माइल्स पर आवर बहुत करीब है एक्सप्लोशन पॉइंट के। डैम इट रिचर्ड, यू हैव टू टेक दैट रिस्क, इट्स ओवर। डू इट नाउ। केविन, यू बी ऑन योर टोज, यू मेक द चेंज व्हाइल आई गिव यू द सिग्नल। यू हियर मी केविन? Three, two, one, now! खुशियां मानने का टाइम नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। प्लीज प्लीज गेट बैक टू वर्क। थैंक्स थैंक्स। बोलो विकास। सर मैंने सारे इंडियन और पाकिस्तानी हिस्ट्री शीटर्स का डेटाबेस चेक कर लिया है और सब हमारे ऑफिसर्स की निगरानी में है। मुझे नहीं लगता ये इनमें से एक है। अच्छा, मतलब कोई नया कमीना है। अच्छा तुम एक काम करो, वेमली के गुड स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। शादी करके उसे तो बैठे बैठाए ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल सकती है और वो मेरी पूरी जायदाद का मालिक बन सकता है, और फिर भी तुम उसे मेरा दामाद बनाना चाहती हो? आप दामाद बनाए या नहीं, लेकिन मैं अपना पति जरूर बनाना चाहती हूँ। शट अप। आखिर हैसियत क्या है उसकी? पापा जरा इज्जत से बात कीजिए, आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा है। ही इज एन इंजीनियर। निकिता, अगर तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम्हें ये घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आकाश चलो। तेरी कसम, तेरी कसम, जाने जाना तेरे लिए, तेरे लिए।
मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना। तेरी कसम जाने जाना, तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना आए। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है बंदगी। तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ, किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा। Manish Solanki, he's in Ward A, bed 4. Okay, one moment. Payment operation se pehle hi aapko karni hogi. Sir, puri CCTV footage check kar liya. Koi nazar nahi aaya. Acha, us waqt ye goods train kahan park? Yahi sir, is track mein. This area, sir. Forceps. मुझे इस कैमरे से पिछले 24 घंटे की फुटेज चाहिए अभी। ये तुम्हारी बाइक है? हाँ मेरी है। कितनी बाइक्स है तुम्हारे पास? 5 इन टोटल। और पांचों बाइक्स तुम्हारे पास थी रात भर? नहीं, 3 मेरे पास थी और 2 गैरेज में रिपेयर के लिए। वेयर इज द गैराज? द अल्फा बाइक सेंटर ओवर ऑन रिचमंड स्ट्रीट। थैंक यू। रेलवे कंट्रोल सिक्योरिटी, मे आई हेल्प यू? आई वांट संजय। यस, इट्स रेडी, टेक इट। संजय ये फोन के करीब रहो वरना ये ट्रेन जमीन के करीब नहीं रहेगी। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? 10 मिलियन यूरो पुराने नोट। चुप क्यों हो गए? तुम्हारी जेब से नहीं जा रहे। 500 लोगों की जानों के लिए 10 मिलियन ज्यादा नहीं है। सुनो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। एग्जैक्टली। यस सर। फिर तो बम जरूर फटेगा। मिनिस्ट्री इतनी आसानी से पैसे नहीं निकालेगी। मिनिस्ट्री बोल क्या रही है? उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया सर। तो क्या बम फटने के बाद डिसीजन लेंगे? एनीवे, कीप मी पोस्टेड। अरे ये स्मोक मीटर का डायफ्राम। जय स्वामीनारायण, वेलकम। क्या हुआ, गाड़ी खराब? पुलिस।
सर देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो मिसेस खन्ना ने कंप्लेन की होगी आपकी, लेकिन मिसेस खन्ना जानबूझ के तंग कपड़े रोज मेरी खिड़की से निकलती है तो मुंह से सीटी अपने आप फिसल जाती है। यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यहाँ छे सबका परमिट है? सबका, दो का नहीं है। अब वो आ जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों कहाँ? वो कचरे को इधर 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 साहब आए, जल्दी आ जल्दी आ। हेलो बोल साहब को। सलाम। दूसरा किधर गया वो काला अंडा? सर वो आज नहीं आया। नहीं आया? ये बोली शक्ल दे के काम देता हूँ वहीं फंसता हूँ। कल रात तुम कहाँ थे? मैं मिसेस पटेल के साथ, माय वाइफ सर। कहाँ थे? जी सर मैं यही काम पर था। अकेले? बोलना। नहीं सर आदिल भी था। ये आदिल कौन है? वो ही मैंने आपको कहा ना, वो जो परमिट नहीं वो लड़का यहाँ काम करता है, दूसरा मैकेनिक। पूरी रात वो तुम्हारे साथ था? हाँ जी। नहीं जी वो रात को बाइक टेस्ट करने निकला था। कितने बजे? 10-11 बजे। कौन सी बाइक पर? वो चिप शॉप वाले का, फिश एंड चिप्स की बाइक। हाँ जी। जी सर। याद रखो तुम जानते हो उसका आता पता कहाँ रहता है, कोई एड्रेस वगैरह है तुम्हारे पास? सर वो बिना परमिट का था, ऐसे काम पे रख लिया तो अभी कुछ नहीं है हमारे पास। एक दिन ऐसे लड़कों के साथ तुम भी जेल जाओगे। विकास इमीजिएटली अल्फा गैराज में एक स्केच आर्टिस्ट को आदिल नाम के एक लड़के का स्केच बनाना है। आई गेस यू गॉट द गाय। तुमने छुपाए क्यों हमसे? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमारी जान खतरे में, तुमने हमसे ये बात छुपाई? Don't push it. Go back to your seats and sit down. Everybody. Calm down. Hey, get off. I'll blow your head off if you touch anybody. Okay. Go back to your seat. Go. Yes. There is a bomb on this train. ना हम रुक सकते हैं और ना ही स्पीड 60 माइल्स पर आवर से कम कर सकते हैं, वरना बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाएगा। हम अभी घबराकर सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, या फिर हम शांत रहें और अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा करें कि वो हमें बचाए। The position of the British government on terrorist acts is very clear. There will be no negotiation whatsoever. Let's make it official. All in favor, raise your hands. Mr. Karner doesn't seem to agree with our opinion. Might I ask you exactly what you have in mind? I think hame paisa tayar rakhna chahiye. Sir, mera kehna hai paisa sirf dikhai de. Unse sirf baatcheet karne ka sadhan. अपने बिल से उस बॉम्बर को बाहर निकालेगा जैसे एक जाल। अगर हाथ से फिसल गए दोनों, आतंकवादी और पैसा? सर आपने मुझ पर 23 साल भरोसा किया और मैं कभी नहीं चुका। इस भरोसे पे आपने फिर से मुझे रिटायरमेंट से वापस बुलाया। एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कीजिए एंड आई प्रॉमिस ना कोई पैसा जाया होगा ना कोई पैसेंजर मरेगा। आई विल गेट हिम। सर वो आदिल का स्केच मैच कर गया, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उसकी फाइल आई। आदिल खान 7 साल पहले इंडिया से टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आया किसी म्यूजिक शो के साथ, उसके बाद ना कभी वापस गया ना कभी पकड़ा गया। ओके इसकी फोटो, इसकी सारी डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन में भेज दो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह पुलिस ऑफिसर्स को तैयार रखो। यस। ट्रेन की कुछ खबर? कंडक्टर्स ने सारे कंपार्टमेंट्स चेक कर लिए हैं, कहीं कोई बॉम्ब नहीं मिला। इसका मतलब ये बॉम्ब अब किसी पागल के हाथ में नहीं है, ये बॉम्ब अब रफ्तार के हाथों में है। लिसन विकास, रेलवे कंट्रोल सेंटर से अगले ब्रिज की डिटेल्स दो। उस ब्रिज के नीचे मुझे 4-5 हाई स्पीड कैमरा चाहिए, मुझे हर एक बोगी के पिछले हिस्से की क्लियर पिक्चर्स देखनी है। बेटा मैं थोड़ा बिजी हूँ थोड़ी। डैडी आई एम गोइंग टू डाई। क्या बोल रहे हो प्रिया? डैडी यहाँ सब कह रहे हैं कि ट्रेन में बॉम्ब है, सब मर जाएंगे।
किसी को कुछ नहीं होगा। मेरा ध्यान सिर्फ आपके ट्रेन पे है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। Me, Dr. Reno? Yeah. Please report to the front desk. There's a telephone call for you. Okay. Hello? Hello, Reno. Reno, phone mat rakhna. Pia, theek to hai? Reno, Pia train par hai. Aur hume abhi abhi khabar mili ke us train par ek bomb hai. To train ko roko aur Pia ko bahar nikalo. हम ऐसा नहीं कर सकते रेनू। रेनू, जब तक इस ट्रेन की कोई खबर मैं ना दूं, किसी के भी बात पे विश्वास मत करना, और मैं फोन करता ही रहूंगा। ओके? स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप, ज़ूम इन। बॉम्ब स्क्वाड रिपोर्ट। उनका कहना है कि गुड्स ट्रेन पर भी ऐसा ही एक बॉम्ब था। यू सी सर, देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डायनामो जिसका सेंसर ट्रेन के पहिए से जुड़ा हुआ है। अगर ट्रेन की स्पीड 60 से कम हुई तो डायनामो ट्रिगर को एक्टिवेट कर देगा एंड द बॉम्ब विल एक्सप्लोड। इट्स ऑल मेंशन्ड हियर सर। बॉम्ब किन किन कंपार्टमेंट्स के नीचे? 4 and 7। करेक्ट मी टू द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें पहले 3 कंपार्टमेंट्स में भेज दो, और बाकी जो कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें उन 3 कंपार्टमेंट्स से अलग कर दो। आई थिंक दैट शुड वर्क। आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। जो आप कह रहे हो वो नामुमकिन है। Why it's not possible? अगर हम इस ट्रेन का मेन हाइड्रोलिक स्विच ऑफ कर दें, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये ट्रेन ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। अगर आपने हाइड्रोलिक स्विच बंद कर दी तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी और वो बम फट जाएगा। यू मीन टू से इस ट्रेन को रोकने का कोई तरीका नहीं है? There's no way you can। अगर कोई तरीका होता तो मैं रोक चुका होता। वो ट्रेन पे मेरी बेटी है। आई डोंट नो दैट ट्रेन। हेलो संजय। संजय, मेरे पैसे तैयार है। तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितनी मासूमों की जान खतरे में डाल रहे हो? अगर तुम पकड़े गए तो तुम मारे जाओगे। क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। आखिर में सबसे हंसी धोखा जिंदगी ही देती है। देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ज्यादा बात करके भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मेरे पैसे दे दो। पैसे कहाँ पहुंचाना है? तुम अर्जुन खन्ना, काउंटर टेररिज्म कमांड। मैं तुम्हारे पैसे लेकर आऊँ, कहाँ पहुंचाना है? मिस्टर खन्ना, पैसे एक बैग में डालिए। बैग में कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं होना चाहिए और न ही कोई ऑफिसर आपके साथ। आपको बिल्कुल अकेले आना है। जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे, बॉम्ब डिफ्यूज करने का तरीका किसी को नहीं पता चलेगा। ग्लेन आर्मंड कॉलेज, सरी, 20 मिनट में। यस फादर, मेरा अंदाजा है ये आपके लिए है। एक आदमी आज सुबह ये दे गया था एंड सेड यू वुड बी कमिंग टू कलेक्ट इट। आपने उसका चेहरा देखा? सॉरी, आई डिडंट। उसने हेलमेट पहना था पर वो बहुत जल्दी में भी था। हेलो मिस्टर खन्ना स्पीकिंग। गाड़ी में बैठिए, चर्च के गेट से बाहर निकल के लेफ्ट लीजिए, आगे मेन रोड से दूसरा लेफ्ट, गाड़ी सिंगल लेन पे उतरेगी, आप चलते रहिए। उसी आरामजादे का फोन था। विकास, मैं अभी तुझे फोन कर रहा हूँ, इस मोबाइल का नंबर तेरे फोन पर आएगा। अगली बार बॉम्बर जैसे फोन करे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे ट्रेस करके बताओ। आई टेक दिस कॉल। ट्रेन का बोर्ड नजर आया? हाँ। टर्न राइट फ्रॉम देयर। आधे किलोमीटर दूर एनिमल क्रॉसिंग का बोर्ड नजर आएगा।
वहां से लेफ्ट ले लेना। हाँ बोलो विकास। सर गॉडफ्रेस हो गया। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? अलेक्जेंडर बांध नंबर 57 हॉगवे। ओके गो फॉर हिम, गेट हिम अलाइव। मैं उसे बातों में बिजी रखता हूँ। कम ऑन गाइस, लेट्स गेट इनसाइड, लेट्स मूव। एनिमल क्रॉसिंग का बोल। आई गॉट इट। हाँ मिल गया। Turn right. हेलो, यहाँ रिचर्ड फार्म का बोर्ड दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। मिस्टर खन्ना, आप शायद ध्यान से नहीं देख रहे, लगता है मुझे फोन यहीं काटना पड़ेगा। हाँ नजर आ रहा, नजर आ रहा। रख के धीरे से बाहर आ जाओ। आज भूल के भी कोई गलत टर्न मत ले लेना, भारी पड़ेगा। रैपिड्स के बोर्ड के सामने गाड़ी रोको। विकास ये अंग्रेजी फिल्में बहुत देखता है, मानना पड़ेगा। अब बताओ आगे क्या करना है? गेट आउट ऑफ द कार। अब तक तुम नदी के सामने पहुंच चुके होगे। हाँ यस यस। वहां एक पेड़ के नीचे एक येलो वाटरप्रूफ सूटकेस है। उसमें पैसे डालो। अब सूटकेस को पानी में फेंक दो। I said throw the suitcase in the water and walk away. To set up 2 kilometers radius around this area. All highway routes should be blocked. No vehicle should be passed without being checked. Thank you.
मैंने सोचा तुम और बेवकूफी नहीं करोगे, पर मैं गलत निकला। क्या समझते हो अपने आप को? किसने कहा तुम्हें सोचने को? अब हम इस ट्रेन को रोकेंगे कैसे? हे, अगर तुमसे हैंडल नहीं होता तो ये हम पर छोड़ दो। यू आर एन एमेटर। वो एक एक्सीडेंट था। तुम वापस आए, वो एक्सीडेंट था। हमें जिंदा चाहिए था वो। बॉम्बर अभी भी जिंदा है। शी वॉज नॉट द बॉम्बर। ऐसे मत देखो कंफ्यूज्ड। सिर्फ एक ही नहीं, कई और लोग शामिल है इस क्राइम में। तो तुमने आगे क्या सोचा है? क्या प्लान है? वो मुझे पता है। तुम अपना काम करो। और पता है एलन, इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए सुराग, और वो है मेरे पास। विकास, उस लड़की जैसे हॉस्पिटल का बिल मिला है उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। एंड डू इट फास्ट, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ? प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, वो मुझे इंडिया वापस भेज देंगे। प्लीज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हेलो, सब ठीक से हो गया सर? हेलो, कहाँ हैं आप? मेघा कहाँ है? मेघा स्टेट आदिल, आदिल Moments ago, a high-speed chase on the M25 has resulted in the death of the London Railway bomber. Authorities have said that the bomber, a female in her 20s, was trying to escape on a red dirt bike and had a fatal accident during the chase with the police. Hello. Hello, Sanjay. Sanjay, mujhe sach sach batao. Yahan pe har koi mujhe alag alag kahani suna raha hai. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस ट्रेन के बारे में कोई कुछ भी कहे उस पर विश्वास मत करना। पर न्यूज़ में दिखा है कि बॉम्बर मर गया, अब ट्रेन नहीं रुकेगी। मीडिया वाले पागल हो गए। बॉम्बर एक आदमी है, वो अभी भी जिंदा है और मैं खुद उसके साथ बात कर रहा हूँ। तुम मुझे दिलासा देने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे हो ना? तुम एक काम करो, तुम उसे बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हेलो, हेलो, हेलो पिया। मामा, बच्चा आप ठीक तो हो ना? हाँ, पर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? दादी ने दिया। आपने डैडी से बात की? हाँ बेटा। हेलो, बॉम्बर मर चुका है। इट्स ऑल ओवर, हम सब मारे जाएंगे। मैं ऐसा मरने वाला नहीं। I bet हम कूद सकते हैं ट्रेन से। Please sit down. How are you going to defuse the bomb if the bomber is already dead? The bomber is not dead. तुम कैसे जानती हो? My daddy is the chief of railway control center. What's your name? Pia. Pia Rana. Okay Pia, daddy ने क्या बोला? Daddy ने मामा को बताया कि bomber अभी तक मरा नहीं। क्या मैं आपकी daddy से बात कर सकता हूँ? भाभी का एड्रेस मिल गया। वो किसी किंडरगार्टन स्कूल में टीचर, इससे ज्यादा कोई खबर नहीं मिली। आज मेघा के भाई का ऑपरेशन था। किस चीज का? उसकी दोनों आंखों की रोशनी अचानक जाने लगी। ऑपरेशन बहुत महंगा है और अगर नहीं कर पाया तो अंधा हो सकता है। उन्हें शायद पता चल गया कि हम हिंदुस्तानी हैं। यूनिट 4, आर यू इन पोजीशन? इन पोजीशन सर, शैल आई गो इन? नो, होल्ड योर पोजीशंस। नोबडी अप्रोचेस द टारगेट विदाउट माय ऑर्डर्स। आदिल, रन। Thank you.
ड्राइव। मॉर्निंग मॉर्निंग। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मिठाई? किस बात की पार्टी हो रही है? मैंने आपको अपने भाई के बारे में बताया था ना मनीष, उसको यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। ओह दैट्स नाइस। लेकिन वो यूके आया कैसे? हमारी तरह कबूतरबाजों की बदौलत नहीं आया सर, लीगली आया है वो, स्टूडेंट वीजा मिला है। फिर तो डबल मुबारक हो, मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। ये सब आपकी वजह से हुआ है सर, बहुत एहसान है आपके। अगर मेरे खुद के माँ बाप। बस 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 बस, लाओ मिठाई लाओ। दिस इज अ रूटीन चेक, स्टे वेयर यू आर। यूके बॉर्डर एजेंसी, एवरीबॉडी स्टे वेयर दे आर। पेपर होल्ड, प्लीज लीव मी सर। सर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाली बाहर आ गए, सबके पेपर्स चेक करें, क्या करें? अरे तुम मेघा को लेके निकलो। सर लेकिन आप? मैं इन्हें संभालता हूं, तुम निकलो। लेकिन सर आप तो स्टॉप इट, कहां ना जाओ। कौन निकल, इसको officer, is there a problem? My name is Peter Harvey from the Department of Immigration. Aapke workers ke papers check kiye aur kuch aisa hai jinke paas pure documents aur permit nahi hai. I guess mujhe iske bare mein pata nahi. Aap yahan kya kaam karte hain sir? I'm the CEO. Malik Kern hai is company ka. My wife. All right, aapke papers please. Maine apply kiya hai apne citizenship aur work permit ke liye. Sorry, bina citizenship or work permit ke aap yahan kaam nahi kar sakte. I'm afraid aapko hamare saath chalna hoga. Bas, ho gaya. Just relax. आप जानते हैं ये कौन है? वो जिसके पास हारने को कुछ नहीं है। और आप? वो जो सब कुछ हार चुका है। लेट्स गो। थैंक्स डॉक्टर। मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए। क्यों? हमारा इरादा एक गुनाह करके अपनी जिंदगी वापस पाने का था। किसी की भी जान को खतरे में डाले बगैर। अब तक मेघा अपनी जान खो चुकी है और तुम यहां जख्मी पड़े हो। तुम्हारी जिंदगी खोकर मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है सर, मेघा मर चुकी है और अगर आपकी वापस आने की उम्मीद ना होती तो मैं खुद को कब का फांसी लगा चुका होता। क्या डर है हमें? अगर हार गए तो हमारे पास खोने के लिए है ही क्या,
और अगर जीत गए तो आगे जिंदगी है। या संजय, दुनिया में हर आदमी जन्नत जाना चाहता है, लेकिन जन्नत जाने के लिए कोई मरना नहीं चाहता। तुम्हारी गलतियां आज मुसाफिरों को जन्नत तक पहुंचाएंगी। सिटी रेस ऑफ। Have you gone mad? Who the hell do you think you are? जब गवर्नमेंट ने तुम्हें पैसे दिए थे बम्बर तक पहुंचाने के लिए, तो क्या जरूरत थी हुशियारी दिखाने की? चुपचाप पैसे देकर बम को डिफ्यूज करना चाहिए था। वो पैसा उस हरामखोर को पकड़ने का एक जरिया है, उसकी डिमांड्स पूरी करने का तरीका नहीं। Now just calm down. Don't you tell me to calm down. सुबह से मैं इस ट्रेन को बचाने के लिए अपनी जान लगा रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त मिले। अब वक्त तो बर्बाद हो गया, लेकिन साथ साथ जो भी बची कुछ ही उम्मीद थी वो भी बर्बाद कर दी तुमने। मिस्टर संजय, आई अंडरस्टैंड। नो यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इस ट्रेन पे तुम्हारा कोई अपना नहीं है। Shut up! उस ट्रेन का हर एक मुसाफिर किसी न किसी का अपना है। मुझे लोगों की जान बचाने के लिए किसी की वजह की जरूरत नहीं है। इट्स माय जॉब, इट्स माय ड्यूटी। वो फोन वापस करेगा। क्यों करेगा वो फोन? कैसे मालूम तुम्हें? हाँ? ईवल कॉल, हम चलेंगे ईवल कॉल। क्यों करेगा वो फोन? क्योंकि वो अपने पैसे लिए बिना आज यहाँ से नहीं जाएगा। ही विल नॉट कॉल। ही विल कॉल। हेलो, पैसा लेके सेंट जॉर्ज स्क्वायर पहुंचो, और इस पर कोई बेवकूफी नहीं। लास्ट चांस। Gave you this. Hey, listen. Bag अपने पीछे, बड़े कचरे के डब्बे में डाल दो। अरे कचरे के डब्बे पर ध्यान दो। अल्फा टीम, टॉक टू मी। नो सर, नथिंग येट। स्नाइपर्स, अरे कचरे के डब्बे पर नजर रखो और ध्यान रखो, वो मुझे जिंदा चाहिए। Subject's got something in his left hand. Bravo team, do you see anything? Negative sir. Still looking. Nothing yet. Aayega, aayega. Abhi nazar aayega. Target confirmed. Approaching drop point. Everyone now, stay calm. Be focused. Be focused. Negative, sir.
सर आपसे बात कर सकता हूं? दे फाउंड द सस्पेक्ट, ये है उसकी पिक्चर। तुम्हारा माल आ गया? तो क्या सोचा? जल्द जान जाओगे। हटाओ, मुझे किसी भी हाल में स्टेशन पहुंचने से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाना है। ब्रेक कहाँ है? वहाँ। ये ब्रेक कैसे लगाता है? कैसे लगाते हैं? चलो ब्रेक को। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा चार दूंगा। तुम्हें किसी को शूट करना है तो शूट मी। ये ट्रेन खाली करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ये ट्रेन खाली करनी पड़ेगी। ये सच है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच है? वो एक्सप्लोसिव्स मैंने खुद उसे बेचा है और आज मैंने अपनी आंखों से उसे रेलवे स्टेशन पर देखा है। किसको? वो बॉमा। तुम जानते हो उसको? हाँ। कौन है वो? उसका नाम है आदिल खान। Where does he stay? हेलो, काम हो गया? यस यस। तबीयत कैसी है? अब तो कमाल की है सर। ठीक है, मैं आ रहा हूं। I'll be there in 5 minutes. ओके। पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करो। नहीं सर, पुलिस ने हर तरफ से घेर लिया है। तो मैं ऊपर आता हूँ। आप मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए, आप भी मारे जाएंगे। तो साथ मरेंगे। चलिए जाइए सर। अगर हिलोगे तो तुम मरोगे।
मैं या हम? क्या इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी थी बॉम्बर को जिंदा पकड़ने की? डिफ्यूज द बॉम्ब एंड सेव द पैसेंजर्स। और क्या कर रहे हो तुम? मार रहे हो एक एक को। क्या समझते हो खुद को, डर्टी हैरी? उसने खुद अपने आप को उड़ा दिया। इट वॉज अ सुसाइड। ओ तो अब हमें बताइए क्या करना चाहिए। असली बॉम्बर को पकड़ो, वो जिसके पास पैसा है। वो सारा पैसा मछली को सिर्फ पकड़ने का जाल था। ओए, इसने पैसा तो गवा दिया, अब मार रहा है सब बॉम्बर्स को, बिगाड़ दिया है पूरे ऑपरेशन को। हो सकता है ये खुद ही मिला हुआ है उन बॉम्बर्स से, और अब अपने हिस्से का पैसा इसको इंडिया जाते ही मिल जाए। क्या बोला? फिर आवाज निकाली तो मुंह तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। नहीं सरकार, छोड़ मुझे। तो प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो, ये तंग किया अपने आप को। यस छोड़ मुझे, ये औलाद लेके जाओ, छोड़ मुझे, बता दो उसको। प्लीज 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 सुनता है क्या बोल रहा है? प्लीज, ऐसे कमीनों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। हम एक आदमी लगाता है और उसकी वजह से उसकी पूरी कौम, उसके देश का जिल्लत उठानी पड़ती है। आज या तो ये बॉम्बर बचेगा या मैं। संजय, एशवर्ड लेन पे एक रेस्टोरेंट है, दिल्ली दरबार। वहां पे आपके नाम का टेबल बुक है। टेबल पे एक लिफाफा मिलेगा, उसमें बॉम्ब डिफ्यूज करने की इंस्ट्रक्शन है। मैं हूँ शब, तू है सुबह, इश्क मैं, तू है जहां। मैं हूँ लब, तू है दुआ, मैं जमीन, तू आसमान। तुम मेरे मिल गए जाए सनम, तेरी बाहों में, तेरी राहों में, तेरी बाहों में, तेरी राहों में, मेरी उम्र कट जाए सनम, तेरे जाल में, तेरे जाल में, मेरी उम्र कट जाए सनम। Thank you.
कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, फोन्स, लेटर्स, ईमेल्स, कोई जवाब नहीं मिला। फिर सोचा तुम्हारे डैडी से पूछूं, वहां से भी गालियां ही मिली। मैं 6 महीने तक जेल में थी। हमने जो लोन लिया था वो मेरे नाम पे था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले लोन नहीं चुका पाई। पहले मुझ पे केस हुआ और फिर जेल। हमारा बच्चा, ही इज प्लेइंग आउटसाइड। मुझे पहचाना कैसे? पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बारे में बताती आ रही हूँ और वो रोज ये तस्वीर देखकर तुम्हारा इंतजार करता आ रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश। गो आउट एंड प्ले आकाश। आकाश नाम में एक छोटा सा काश है। काश तुम यहाँ होते, काश हम साथ में होते। इस उम्मीद में जीने के लिए आकाश से बेहतर नाम नहीं था। निकिता, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने दिल्ली दरबार में हमारे लिए रखी थी वो रेस्टोरेंट के साथ जल गई। ये एक अपील है, एक आखिरी बार हमें फोन करके बता दो कि इस बॉम्ब को हम कैसे डिजार्म करें। दिस इज एन अपील। थैंक यू। दैट्स इट। हमारे पास कितना वक्त बाकी है? सर 2 घंटे। ओके, 1 सेकंड। रेस्क्यू टीम से पूछो जी कि अगर हम एक दूसरी ट्रेन साथ वाली ट्रैक पे सेम स्पीड पे चलाए तो क्या वो पैसेंजर्स को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? I'm Megha's friend. उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि और मैं आप ऑपरेशन की फीस भरने आए हैं।
यस, फीस भरने आया। आप आकाश भैया हो ना? नहीं, मैं अर्जुन। ये कौन से आकाश की बात कर रहे हो? आकाश राणा, वो मेरी दीदी के मुंह बोले भाई हैं। दीदी ने बोला था वो और आदिल भैया दोनों मुझे ऑपरेशन से पहले मिलने आएंगे। सरप्राइजिंग, आदिल ने कभी मुझे आकाश के बारे में कुछ कहा ही नहीं। वो 4 साल पहले दीदी और आदिल भैया के बॉस थे, फिर अचानक उनको कंपनी बंद करके किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़ा। सुना है 1-2 दिन पहले ही वापस आए हैं। हाँ, मेगा कुछ जिक्र तो कर रही थी। मुझे कंपनी का नाम, क्या क्या नाम था उस कंपनी का? ग्लोबल सर्विसेज। ग्लोबल सर्विसेज, ओके। दीदी ने कहा था वो ऑपरेशन से पहले आ जाएंगे। हेलो विकास, आकाश राणा के नाम पर एक बैकग्राउंड चेक करो। 4-5 साल पहले उसे इंडिया डिपोर्ट किया था। यहाँ ग्लोबल सर्विसेज नाम की कोई कंपनी है जिसमें वो काम करता था। मुझे उसके खानदान, उसके दोस्तों, उसकी हर हरकत की जानकारी चाहिए राइट नाउ। एक्सक्यूज मी, प्लीज चार्ज फॉर मनीष सोलंकी। आई थिंक इट्स वॉडी बेड 4। सॉरी, व्हाट नेम? मनीष सोलंकी। ओह, एवरीथिंग्स ऑलरेडी बीन पेड फॉर सर। बाय हू? ओह, ही वाज जस्ट हियर, ही लेफ्ट फॉर द वार्ड जस्ट डाउन दैट कॉरिडोर। विकास, वो हरामजादा यहीं कहीं है। अभी अभी उसने हॉस्पिटल का बिल भरा है। मैं हॉस्पिटल के सारे दरवाजे और एग्जिट्स बंद करवा रहा हूँ। तुम बैकअप जल्दी भेजो। सिक्योरिटी, दिस इज डिटेक्टिव अर्जुन खन्ना, काउंटर टेररिज्म कमांड। द ट्रेन बॉम्बर हैज बीन स्पॉटेड इन योर हॉस्पिटल। यस, द ट्रेन बॉम्बर हैज बीन स्पॉटेड इन योर हॉस्पिटल। आई वांट यू टू लॉक ऑल योर डोर्स, एग्जिट्स, एनीथिंग यू गेट ऑफ हियर। नोबडी मूव्स आउट ऑफ द हॉस्पिटल टिल द पुलिस कम्स। मेरे साथ चलो, मुझे उसकी शक्ल देखनी है। सॉरी, आई मीन आई वांट यू टू आइडेंटिफाई हिम। आई वांट यू टू आइडेंटिफाई हिम, प्लीज कम विद मी। ओके। Open the boot. Sorry.
Seriously. Sir. This is Anne. She's seen the suspect and will be able to identify him. I want every person, every car, every boot to be checked now. Sir. Yes. Bolo Vikas. Sir, Akash Rana ke naam mein Air India ki kuch tickets book. 8 बजे की फ्लाइट है, उसके साथ कोई निकिता राणा और एक बच्चा भी है। तुम कहाँ अभी? बस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ सर। तुम अभी इसी वक्त एयरपोर्ट पहुँचो एंड गो डायरेक्टली टू द चेक इन काउंटर एंड सी टू इट कोई भी उन टिकटों पर प्लेन बोर्ड न कर सके। आर यू लिसनिंग? आई एम ऑन माय वे। आकाश राणा नाम का कोई भी आदमी चेक इन काउंटर पर नहीं आया। नाउ द काउंटर इज क्लोज सर। और किसी और फ्लाइट पे भी इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। कोई भी इंडियन, कोई भी एशियन दिखाई दे उसे पूरी तरह क्रॉस चेक कर सर। आकाश की कोई फोटो, कोई आईडी मिली? विल टेक लिटिल टाइम सर। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फोटो मिलते ही हमें भेज देंगे। अगर वो किसी फ्लाइट से नहीं जा रहा है तो इस देश से निकलने का एक ही रास्ता है। अरे इसकी अगली ट्रेन कितने बजे निकलती है? सर आखिरी ट्रेन आई थिंक 1.5 घंटे में निकल जाएगी। ही इज मेड अ फूल ऑल ऑफ अस। कम ऑन लेट्स गो। जो चिट्ठी तुमने दिल्ली दरबार में हमारे लिए रखी थी वो रेस्टोरेंट के साथ चल गई। ये एक अपील है, एक आखिरी बार हमें फोन करके बता दो कि इस बॉम्ब को हम कैसे डिजाइन करें। दिस इज एन अपील। थैंक यू। सर मिनिस्ट्री से ऑर्डर है, ट्रेन को ग्लासगो स्टेशन पर ही रोकना पड़ेगा। सर उनके मुताबिक स्टेशन खाली करवा दिया गया है और एक 90 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचा दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता, इनका दिमाग खराब हो गया है। इस स्पीड पर ट्रेन स्टेशन में नहीं घुस सकती और वैसे भी 60 से स्पीड कम हुई तो बम स्टेशन से पहले ही फट जाएगा। नहीं सर, स्पीड कम नहीं कर रहे, 60 पर ही ट्रेन को ब्रेक रिबन्स और सैंड बैग्स के अगेंस्ट क्रैश करवाना चाहते हैं। सर फायर ब्रिगेड्स पहुंच चुके हैं, एंटी फायर केमिकल्स भी स्प्रे करना शुरू करवा दिया है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस सब स्टैंड बाय पर है। पैसेंजर्स को भी आखिरी बुगी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। ऐसे तो आधे से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। सर उनका कहना है कि कम से कम कुछ लोग तो बच जाएंगे। रिडिकुलस, पागल बने। सर इट्स हिम। यस संजय, ट्रेन में बम नहीं है, यू कैन स्टॉप द ट्रेन। नो, तुम झूठ बोल रहे हो। बम स्क्वाड ने कंफर्म किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन के नीचे बम देखे। हाँ है, लेकिन तारे नहीं जोड़ी हुई। रेस्टोरेंट में जो लेटर भेजा था उसमें भी यही लिखा था। सुनो प्लीज, मासूमों की जान के साथ मत खेलो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जस्ट मिनट, द बॉम्ब जस्ट कॉल्ड, इसे द बॉम्ब से फेंक और कुछ नहीं होगा। झूठा है वो, हम ये चांस नहीं ले सकते। मिनिस्ट्री की ऑर्डर्स फॉलो करेंगे हम एंड ट्रेन स्टॉप्स एट ग्लासगो ओनली। बाहर में गए ऑर्डर्स, मैं इसी वक्त उस ट्रेन को रोक रहा हूँ। तुम मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड? ओह यस आई कैन, मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, ये सब मेरे लोग हैं और ये वही करेंगे जो मैं उनको कहूंगा। सर पर आप क्यों उसका विश्वास कर रहे हैं? अगर वो झूठा होता तो फोन नहीं करता। व्हाट? यू वुडंट हैव कॉल्ड इफ इट्स अ लाई। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। जॉन स्टॉप द ट्रेन। हेलो, मैं स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई होप यू कम। हाँ
हाँ मैं आ रही हूँ। क्या आप निकिता राणा है? जी। पास जा रही था, उसके पास जाओ। Authorities have confirmed that the bomb on the Glasgow bound train 112 was a hoax. The high tension ordeal which lasted 14 hours today has finally ended. There were no reports of casualties as passengers began disembarking the express train minutes earlier. ट्रेन पर कोई भी बॉम्ब कनेक्टेड नहीं था, सबकी जानें बच चुकी है। 112 के सारे पैसेंजर्स सही सलामत ट्रेन से उतर चुके हैं। Can you hear me, Nikita? I'm asking you, where is he? Please tell me, where is he? Sorry, वो आकाश नहीं था। What do you mean, वो आकाश नहीं था? वो आकाश नहीं, कोई और था। मुझे पता, तुमने उसे देखा। आई सॉ यू लुकिंग एट हिम। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाइ टू मी। झूठ आप मुझसे बोल रहे हैं। यू टोल्ड मी ही इज अ बॉम्बर। यस यस, ही इज अ बॉम्बर। और तुम्हारे पास यही मौका है पैसेंजर्स की जान बचाने का। भाई झूठ बोल रहे हैं आप। सबकी जानें बच चुकी हैं। सब न्यूज चैनल यही दिखा रहे हैं कि कोई मजाक कर रहा था, और उस मजाक की सजा मेरे पति को देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बिना इजाजत के देश में घुसा था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बीवी बच्चे को मिलना चाहता है। तुम समझ के नहीं रही हो, कानून की नजरों में वो मुजरिम है और तुम मुजरिम की मदद कर रही हो। बड़ी लंबी सजा दी आज के कानून ने उसे। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था। आपको अंदाजा भी है आपके कानून आपके लॉ ने कितनों के घर परिवार और जिंदगी बर्बाद की है। जाने दो उसे, वो यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। इट्स माई ड्यूटी। तुम मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप उसे खुद ढूंढ लीजिए। प्लीज 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 ट्राई टू हेल्प मी। नो, Thank you.
is on level one. Send back up immediately. जा सकता हूं, जाना तो है तुम्हें, मगर जेल। अपने आप को सरेंडर कर दो। यू डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस है मेरे पास, मुझे मजबूर मत करो। क्रिमिनल हो तुम, सजा से नहीं बच सकते। सजा पाने के लिए क्रिमिनल होने की क्या जरूरत है? बेगुनाह होना ही काफी है। क्या गलत किया था मैंने? एक अच्छी जिंदगी का सपना अपनी मेहनत और ईमानदारी से सच करना चाहा, तो वो चीटिंग थी, फ्रॉड था। जो मुसीबत में थे उनकी मदद की तो वो सैबोटाज था, मर्डर था। जिसने प्यार किया उससे शादी की तो वो रेप था। फिर भी सजा मिली मुझे, सब कुछ छीन लिया गया। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरी उम्मीदें, मेरा फ्यूचर, सब कुछ। तुम्हारी भी बीवी होगी, बच्चा होगा। अपने दिल से पूछो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो ये लो बंदूक और मार दो मुझे। मैं जा रहा हूं अपने बच्चे के पास। उसे सीने से लगाकर एक रात जख्म से सोना चाहता हूं मैं। नो! कई ख्वाब थे हमारे जो ख्वाब ही रह गए। एक इश्क था हमारा, शुक्र है वो इश्क ही रहा। तुम्हारा ये खत पढ़ना यकीन है कि मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। जितने भी वादे किए वो अधूरे छोड़कर बहुत दूर। गलती एक इंसान ने की, जिंदगियां दो बर्बाद हो गई। अपने अधूरे वादों के लिए और अपनी हर एक गलती के लिए माफ करना, और मुझ पर दो एहसान करना। आकाश को बताना कि उसका बाप बुरे हालात में फंसा हुआ एक अच्छा इंसान था, जो सिर्फ अपने प्यार और अपने हक के लिए लड़ते लड़ते मर गया। और दूसरा, मैंने सेंट पैंक्रास स्टेशन के लॉकर नंबर 12 में सारे पैसे रखे हैं। उसमें से आधे पैसे आदिल की मां और मेघा के भाई को पहुंचा देना। अगले जन्म अगर हम फिर मिले तो वादा करता हूं कि उस कहानी का अंत बहुत खूबसूरत होगा। तब तक के लिए आई लव यू।
पीछे पीछे खतरा पड़ गया। छुट गई।